फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान, जी हाँ, उसके प्रश्न उत्तर, साथ ही बहुत सी सारी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में यहाँ पर इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों, तैयारी में देर किस बात की है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आपका क्वेश्चन क्विज का गेम। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आपके पास में चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं इसका उत्तर दें। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है। पहला ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड पिल्टन, चौथा ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड मैथनिक। तो दोस्तों, इसका उत्तर जल्दी से दें कमेंट सेक्शन में जाकर। इसका जवाब है दोस्तों लॉर्ड रिपन। आपको बता दें, इसकी जानकारी के बारे में, 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों, लेकिन वर्ष 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया था। ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, आपको बता दें, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला है 1919, दूसरा है 1913, तीसरा है 1921, चौथा है 1927। आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं इसका जवाब दें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 1919। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के मुसलमानों के द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि जनवरी 1921 तक चल रहा था। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफ आंदोलन में भाग लेना था। तो वहीं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त किया गया था। आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला है 1826 अधिनियम, दूसरा है 1833 अधिनियम, तीसरा है दोस्तों 1845 अधिनियम, चौथा है 1858 अधिनियम। आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं इसका जवाब दें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 1833 अधिनियम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिनियम 1833 के तहत भारत में दासता का समाप्त कर दिया गया था। इसे अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा ऑप्शन है 1938, तीसरा ऑप्शन है 1936, चौथा ऑप्शन है 1955। आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और जवाब दें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है 1936। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और साथ ही प्रोफेसर एन जी रंगा को महासचिव चुना गया था। वहीं दोस्तों, देर किस बात की, आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन है, एलोरा से प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था। आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा मोहम्मद गौरी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथे हैं दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं इसका जवाब दें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक लगभग 756 ईस्वी में थे, उसे कृष्णराज भी कहा जाता है। दोस्तों, कृष्ण प्रथम ही एलोरा से प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने। छठा क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला है नव पाषाण काल, दूसरा है चालकोलिथिक काल, तीसरा है दोस्तों पैलियोलिथिक, चौथा है मेसोलिथिक। आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं इसका जवाब दें।
तो दोस्तों इसका उत्तर है नवपाषाण काल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवपाषाण काल जिसे न्यूजोलिथिक काल भी कहा जाता है लगभग 6000 से 7000 से 3000 वर्ष पूर्व जॉन लुबाक ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी। इसी काल में ही कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, भारत में डायक्री को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था। आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला है 1809 अधिनियम, दूसरा है दोस्तों 1819 अधिनियम, तीसरा है 1909 अधिनियम, चौथा है 1919 अधिनियम। आपके पास में दोस्तों 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं इसका जवाब दें। इसका उत्तर है 1919 भारत सरकार अधिनियम। जी हाँ, आपको बता दें जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था। इसे मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा डायक्री को पेश किया गया था। वही दोस्तों आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था। आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला है अशमक, दूसरा कलिंग, तीसरा कम्बोज, चौथा है दोस्तों। आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कलिंग। आपको बता दें इसके बारे में, जिसे ग्रीक के लेखक ओरेस्टस कहते हैं क्योंकि ये प्रतिकूल प्रकृति परिस्थितियों में भी ओरू मतलब चावल अधिक मात्रा में उगा पाते थे। वही दोस्तों नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे। आपके पास में चार ऑप्शन है, पहला है शाहजहां, दूसरा है कुतुब उद्दीन ऐबक, तीसरा है बाबर, चौथा है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। आपके पास में 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं उसका जवाब दें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमीर खुसरो जिनका पूरा नाम अब्दुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो है, वह दिल्ली के निकट दोस्तों रहने वाले एक प्रमुख कवि शायर गायक और साथी संगीतकार थे। वह ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे, उन्होंने ही 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बह रहा था और विचार सामने रखा था। आपके पास में चार ऑप्शन है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरे है जीवी जोशी, तीसरा है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, चौथे है रविंद्रनाथ टैगोर। आपके पास अब 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं इसका जवाब दें। इसका उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था और साथ ही उन्हें भारतीय राजनीति का पिता महा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के गेम के क्वेश्चन क्विज, जिससे कि आप बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं, अपने इंटरव्यूज के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, अपनी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को अपडेट रखें और साथ ही ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि हम बैक टू बैक वीडियो आपको दे सकें। लाइक शेयर ना भूलें। थैंक यू।